पहली बात तो यहाँ मजदूरों की कोई व्यवस्था नहीं है, न मजदूरों की कोई रेट है, न मजदूरों की कोई इज्जत है, न मजदूरों की कोई औकात है। कोई भी ले जाता है, कछु भी समझता है, वो यहाँ से कह के ले जाएगा कि मैं तुमको 400 दूंगा, 500 दूंगा, 600 दूंगा। वहां जाके वो दादागिरी बताता है, तो ना यहाँ कोई सुनवाई होती है मजदूरों की। ये मेरा कहना है, हमें सरकार और शासन से मतलब नहीं है, हम मजदूरों की कोई ऐसी कोई सुनवाई हो। और यहाँ पे कोई छत्र छाया नहीं है मजदूरों की, ऐसी कोई ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है। काम पे तो सब लोग ले जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। मैं नहीं, और जो मेरे मजदूर भाई और भी खड़े हैं, मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। हर किसी से बात कर लो, हर कोई भी मजदूर ये बात कह देगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ये बताइए, हाँ। मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो इतने मजदूर मेरे पीछे खड़े हैं भाइयों, हाथ उठाओ, मैं कोई गलत बोलने आऊँ क्या? सत्य है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो जो मुद्दे रखे सब दिखा रहा हूँ। हाँ, वो सही है जो उन्होंने कह दी, वो सही, जो कह दिया वो सही है। गुना में, हाँ आ रहा हूँ, आप पर भी आ रहा हूँ, सब पर आ रहा हूँ। गुना में वोट पड़ेगा, क्या मुद्दा है? सर सबसे बड़ी बात तो पहले यहाँ देखो, पहले ना दुबे टोटी लग गई पानी की पीने की, तो वो भी हटा दी गई। तो कोई अग्रवाल थी, उनने रखवाई वाटर कूलर के साथ में, वो हटा दी। और सबसे बड़ी बात ये है ना, मजदूरों के लिए कोई छाया छत्र छाया नहीं यहाँ पे। क्या पानी बरसेगा, बरसात होती है तो है ना, वहाँ पे हमें दुखने की कोई जगह भी नहीं है। क्या ना पानी बरसे तो हम दुखना है, कोई की दुकान के आगे बैठेगा तो भैया जा 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 भगा देता सर वो है। गुना में एक बहुत बड़ी मंडी है, मैंने ये भी देखा कि मतलब आसपास के तमाम इलाकों से किसान, आड़ती सब यहाँ पर आते हैं। उनके लिए भी क्या कोई दिक्कत परेशानी, सुविधा क्या है क्या नहीं है, और क्या उनकी दिक्कत परेशानी कोई मुद्दा है कि नहीं बताना? सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं है सर, हम तो परेशान है। जैसे जैसे भी मतलब जैसे भी काम चल रहा है वैसे चला रहा है, हमारा कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या है गुना में मुद्दा? जिनसे पूछ रहे हैं ना पूछे हैं, क्या है गुना में मुद्दा? सर हमारा यही कहना है आपसे कि हमको यहाँ छाए की व्यवस्था करें पहले, तो यहाँ गर्मी में ना बरसात में परेशानी आती है मजदूर भाइयों को। तो हमको एक तो छाए और पानी की व्यवस्था, या पर यहाँ की बजाय कोई दूसरी जगह हमको शिफ्ट करें, यहाँ से बहुत समस्या है। और प्रशासन से हमारी यही प्रार्थना है वो कि छाए की व्यवस्था करें पहले नंबर को, व्यवस्था करें। और हम भी देख रहे हैं, हम लोग भी यहाँ धूप में खड़े हैं सुबह सुबह। हाँ आ रहा हूँ, मैं आप पर भी आ रहा हूँ, सब पर आऊंगा। हाँ, सबसे यही समस्या है धूप की समस्या, बरसात में परेशान होते हैं सब, कोई दुकान पे कोई खड़े नहीं रहने देता है यहाँ पे। तो हमको छाए की पानी की व्यवस्था कोई अच्छी जगह बताए प्रशासन से, यही प्रार्थना है हमारी, कोई अच्छी जगह, कोई अच्छी जगह बता के नहीं मां हमको शिफ्ट कर दे। आइए यहाँ के काये निश्चित जगह बना रहे हैं, ऐसी की जो तीन सेट हो जाए बैठने उठने काये, वहीं से आदमी ले जाए, वो सही है। अब ये दर दर भटके फिर रहे हैं आदमी, उनके काये परेशानी आ रही, और मजदूरी भी नहीं है। और दूसरी बात, एक आध दो फैक्ट्री होती बड़ी तो जनता वो तो घुस जाती तो काम भी मिलता, काम जी मिल नहीं पा रहा। बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्री है जहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। आप बताइए क्या बोल रहे थे? कोई मजदूरी नहीं है साहब गुना शहर में, तो सब मजदूर बिल्कुल ऐसे भर रहे हैं फालतू। मतलब इनको करीबन 500-600 रुपया तो मिलना चाहिए इस महंगाई के जरिए। गुना में, गुना शहर बिल्कुल एकदम बेरोजगार है, शहर बेरोजगार है मजदूरों की छाया की। और ये दिक्कत आप देख रहे होंगे, जो पूरी ये धूप आ रही है हम पर भी, लोगों का ये कहना है। इस व्यक्ति की स्थिति देखिए क्या है, एक आज से कल को खाने को नहीं है इससे, मतलब आज के लिए ये अब देखिए इसकी उम्र, काम करने लायक है क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।